गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसे भी आप लोग लेक्चर देख रहे हो। तो आज हम देखेंगे, लेक्चर 3 देखेंगे, ये हमारे पब्लिक स्पीकिंग के सीरीज़ में, जहाँ पे हमने कुछ वोकेबलरी देखने शुरू किए थे। तो कुछ तीन वोकेबलरी हमने देखे थे। पहला था बिलोंग, दूसरा था ब्रिंग, तीसरा था बोरो, राइट। सो अभी बोरो बर्न का मतलब क्या होता है? बर्न मतलब टू सेट ऑन फायर और टू डिस्ट्रॉय बाई फायर और टू इंजर और डैमेज बाई फायर। किसी बिल्डिंग वगैरह में आग लग गई तो भी बर्न होता है। आपके हाथ में या कहीं आपके शरीर में आग से कुछ जलन टच हो गया, उसको भी बर्न ही बोलते हैं, राइट। सो इसका आईएनजी कैसे? बर्न प्लस आईएनजी आपको पता है, बर्न प्लस आईएनजी बर्निंग होता है। बर्न का V2 एंड V3 बर्नड होता है, बर्नड बर्नड बर्नड। ये V2 एंड V3 कहाँ पे यूज होता है हमने देख लिया बेसिक मेरे जो लेक्चर के सीरीज में है, सब्जेक्ट प्लस V1 V2 जो भी हमने देखा था। जैसे सिंपल पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। जो एग्जांपल हम यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, द फायर बर्न द बिल्डिंग, द फायर सब्जेक्ट है, बर्न V2 है, प्लस द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो द फायर यहाँ पे हमने बर्न का यूज करके देख लिया, द फायर बर्न द बिल्डिंग, ठीक है, आग ने पूरी बिल्डिंग जला ली। सो बिल्डिंग बेसिकली बिल्डिंग में आग लगी ऐसा इस हिसाब से। सो इसका दूसरा एग्जाम्पल, पीपल बर्न द कलर लाइट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और दिवाली, राइट। बर्नड यहाँ पे हमने देख लिया बर्नड का यूज, बेसिकली अभी हम बर्नड सीख रहे हैं। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर तो मेरे जो बेसिक सीरीज में वहाँ जाके देखना अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। सो बर्नड का हमने देख लिया। अभी अकॉर्डिंगली आपको एक अगर मैं होमवर्क दूँ या आपको बोलूँ आपका सेंटेंस क्या है तो आप क्या बोलोगे? थोड़ा सोचो जल्दी से, आपका सेंटेंस सोचो और मुझे कमेंट करो योर सेंटेंस जल्दी, योर सेंटेंस, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ कि कमेंट करो या आपका एग्जांपल बोलो या मैं आपको कुछ पूछता हूँ या कोई भी टीचर क्लास में कुछ डाउट पूछता है या आप कुछ डाउट पूछते हो, तो क्या होता है कि दैट यू रिटेन इन योर मेमोरी। आपको बाकी कुछ याद हो या ना हो, लेकिन जो आपने पूछा है वो याद होता है। इसलिए भले ही ये लाइव रिकॉर्ड ना हो, आप लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो भी आप कमेंट में जाके लिखो, आपको याद रहेगा कि मैंने क्या कमेंट किया था, क्या लिख रहा था आपका सेंटेंस, ठीक है। ऑब्वियसली वो सेंटेंस सही है गलत है तो फिर आप रूल में जाके देख लेना है वो बार, ठीक है, अगर नहीं तो मुझे पूछ लेना। तो योर सेंटेंस, बर्न को यूज करके कोई भी सेंटेंस बनाओ, ठीक है। माय वॉच वॉच बर्नड, राइट। माई वॉच वॉज बर्नड ऑन कुकिंग गैस, ये मेरा सेंटेंस हो गया। आपका क्या है कमेंट में लिख लेना। देखो यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाजवेर प्लस V3 है, ये स्ट्रक्चर है पैसिव का। ये मैंने आपको अभी बेसिक लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया नहीं है पैसिव टेंस। तो बेसिकली ये क्या है, पूरे सेंटेंसेस के इसके रूल्स है। जैसे हमने टेंस लिया, जो हमने देखा टेंस वो बेसिकली एक्टिव टेंस था, ठीक है, जनरली एक्टिव ही था है यूज, लेकिन पैसिव टेंस भी उसी तरह से हमें को सीखना पड़ेगा। उस वैसे ही रूल्स है, उतने ही सेंटेंसेस है, उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है, तो उतना पूरा ऑल टुगेदर न्यू नहीं होगा, वो हमने देखने हैं, अभी देखना बाकी है। तो यहाँ पे वो आया इसलिए मैंने बताया। बेसिकली यहाँ पे हम बर्न का मीनिंग देख रहे थे, ठीक है। माई वॉच वॉज बर्न ऑन कुकिंग गैस, जल गया मेरे घड़ी, ठीक है, इस हिसाब से। तो पैसिव का लेक्चर्स में लूँगा, वो आप देख लेना, ठीक है। अभी कोई और मतलब और आगे कुछ हमारे वोकैबुलरी देख लेते हैं। तो चार हमने देख लिया, ठीक है। तो फिफ्थ वोकैबुलरी क्या है? ब्रीद। अब वोकैबुलरी में ऐसा है कि अभी मुझे पता नहीं आपको किसको पता है किसको नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, मैं तो अजीम कर रहा हूँ, नहीं पता है। अगर पता है तो आप उसको फॉरवर्ड कर देना वीडियो को, ठीक है। टू टेक ऑक्सीजन और एयर, राइट, एंड गिव आउट, सांस लेना, ब्रीद मतलब सांस लेना, श्वास लेना, ठीक है, ब्रीद आउट, तो ब्रीद मतलब श्वास लेना।
श्वास लेना भी नहीं पता है तो हवा लेना, फिर हवा को छोड़ना, फिर नेचुरली होता है हमारे पास, ठीक है, ब्रीथ। या टू टेक एयर एंड गिव आउट टू लीव, आपको जीना है तो वैसा करना, ठीक है। चलो तो अभी इसमें आई एन जी लगाओगे तो क्या होगा, यार ई ए टी एच आई एन जी, यहाँ से ई हट गया। देखो आई एन जी लगाने के भी नियम होते हैं, रूल्स, वो हमें देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए आप लोगों याद करो कि ई हट के ब्रीदिंग हो गया। इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है, बी आर ई ए टी एच ई डी, ब्रीद्ड, ठीक है। अगर सेकेंड फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है तो ब्रीद होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को ब्रीद करते हैं, एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है, बट ये बेसिक चीज़ें पता होता है। सो वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्रीद का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इस हिसाब से आपको अगर सेंटेंस बनाना है और मैं पूछूँ आपको कि व्हाट काइंड ऑफ एयर डू पीपल, देखो डू पीपल यहाँ पे अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच मैंने यूज किया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बेसिकली ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने अभी डब्ल्यू एच का यूज किया। तो डू पीपल ब्रीद इन द सिटीज, सिटीज, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आप क्या लोगे, पीपल ब्रीद, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना, पीपल, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, इसलिए ब्रीथ्स नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ब्रीद, बी आर ई टी एच ई, पीपल ब्रीद पॉल्यूटेड एयर इन द सिटीज, द सिटीज। इस हिसाब से इसका हमने यूज करके देख लिया, ब्रीद हमने देख लिया, और सिक्स हम देख लेते हैं, सिक्स सेंटेंस, बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या होता है, बिल्ड मतलब बनाना, कि कोई घर बनाना या कुछ भी बनाना, बिल्डिंग, ब्रिज, कुछ भी बनाना, राइट, ब्रीद। तो इसका मीनिंग आप लिख लो, टू मेक अ हाउस, बिल्ड मतलब टू ग्रो भी होता है, आपका करियर बिल्ड करना, करियर को ग्रोथ करना, कैरियर मत बोलना, करियर को, बहुत लोग कैरियर को करियर बोलते हैं, करियर को कैरियर बोलते हैं, वो उतना मत बोलना, टू ग्रो करियर, और इसका मतलब बिल्ड का मतलब टू डेवलप भी होता है, डेवलप भी होता है, राइट। तो इसमें आई एन जी लगाएंगे तो क्या होगा, बिल्ड का बी यू आई एल, या अगर कंटिन्यूस टेंस देखना है, भले प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, वहाँ पे अगर आपको बिल्ड यूज करना है तो बिल्ड प्लस आई एन जी बिल्डिंग रहेगा, और बी टू यूज करना है तो बिल्ट रहेगा, बिल्ड बिल्ट बिल्ट बिल्ड बिल्ट बिल्ट। हम तो ऐसे बाई लॉन कर, बाई हार्ट लॉन कर लेते थे सारे वोकैबुलरी, बिल्ड बिल्ड बिल्ड, गो एंड गन, कम केम कम, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है कभी तो आपको करना पड़ेगा, उसके बिना तो आएगा नहीं ना, क्योंकि रूल में आपको ये वोकैबुलरी यूज करना होता है, बी टू बी थ्री, तो क्या यूज करोगे आपको जब पता नहीं होगा, पता आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन से या बोलते बोलते कुछ वर्ड्स पता हो सकते हैं। तो बिल हमने देख लिया, टू मेक अ हाउस या टू ग्रो टू डेवलप, राइट, बिल्डिंग बिल्ट बिल्ट, बिल्डिंग में आई, बिल्ड में आई एन जी लगाया, तो इसके हमने एग्जांपल्स देखने हैं। तो द बिल्डर बिल्ड अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बिल्डर बिल्ड, तो बी यू, मैंने क्या लिखा, बी यू आई एल डी, राइट, बिल्डर बिल्ड, बेसिकली बिल्डर्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बिल्डर्स बिल्ड, बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, यहाँ पे एस सी एस नहीं है क्योंकि टी पी एस थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए एस नहीं है, टी एस भी नहीं है, ठीक है,
जब भी हमें ऐसे नेचुरल सेंटेंस बोलने हैं जो लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का हो, कि बिल्डर तो घर ही बनाते हैं ना, या जो भी बनाते हैं बनाते ही है ना बिल्डर्स, यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप है ये, ठीक है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो बिल्डर बिल्ड्स हाउसेस, हाउसेस या फिर कमर्शियल कम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल कम्प्लेक्स, राइट, कमर्शियल कम्प्लेक्स, ओके, बिल्डर बिल्ड्स कमर्शियल कम्प्लेक्स। तो आपका कोई सेंटेंस बनाओ अभी, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। मैं अभी आपको कुछ पैसिव वॉइस के सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है, जो हम बाद में देखने वाले हैं। सो आवर कंट्री इज वेल बिल्ट, वेल बिल्ट। चलो आपका सेंटेंस कमेंट में लिख लो, और सेवेंथ में आपको अभी वर्ड हम देखने जा रहे हैं। सेवेंथ वर्ड या वोकैबुलरी आप जो भी बोलो, बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक ओपन, ओपन करना को ओपन ही बोलते हैं, टू ओपन, टू ब्रेक ओपन, बर्स्ट फट गया ऐसा हिंदी में, टायर फट गया ऐसा, तो बर्स्ट बोलते हैं, टू ब्रेक ओपन, ठीक है, टू कम अपार्ट, टू कम अपार्ट, पता है ना बर्स्ट का मतलब, ब्लास्ट, ब्लास्ट हो गया, ठीक है, इसका ING बर्स्टिंग, और V2 भी बर्स्ट ही होता है, एंड V3 भी बर्स्ट ही होता है, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। तो इसका यूज करना है कुछ, द वाटर पाइप बर्स्ट इन द किचन, ठीक है, द वाटर पाइप, कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, वाटर पाइप V2 बर्स्ट इन किचन, किचन में जो वाटर पाइप है वो बर्स्ट हो गया, ठीक है। आप बोलो आपका क्या सेंटेंस है, कमेंट में लिखो योर सेंटेंस, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। माई बाइक्स टायर एड बर्स्ट, हमने अभी साथ देख लिए, आपका सेंटेंस लिख लिया आपने, आपका सेंटेंस आपने लिख लिया। अभी एट्थ हम देख लेते हैं, एट्थ वर्ड इसका ब्रूज, BRUGE, ब्रूज का मतलब क्या होता है, टू इंजर, इंजर द सर्फेस ऑफ द स्किन, कतराना बोलते हैं ना, तो ब्रूज बोलते हैं, स्किन, टू फिजिकली हार्म, राइट, फिजिकली हार्म, जो फिजिकली PHY, फिजिकली जो आपके स्किन को फिजिकली हार्म होना को क्या बोलते हैं, ब्रूज बोलते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, V2, BRUISED, एंड थर्ड फॉर्म क्या है, BRUI, थर्ड फॉर्म भी ब्रिज ही है लेकिन ING अगर आप लगाओगे, BRUISE को हटा के ING, ब्रूजिंग। ऐसे आपको एग्जांपल्स में कुछ सेंटेंस लिखना है, द चाइल्ड फेल डाउन, द चाइल्ड लिखो, द चाइल्ड आप लिखोगे तो ज़्यादा रिटेन हो जाएगा, द चाइल्ड फेल डाउन एंड ही ब्रूज्ड, BRUISED, ब्रूज्ड हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, अगर हिमसेल्फ दिखा नहीं रहे तो, दिख नहीं रहे हैं तो आपको HIMSELF, हिमसेल्फ लिख लेना है, तो द चाइल्ड फेल डाउन एंड ब्रूज्ड हिमसेल्फ, राइट। आपका सेंटेंस यहाँ पे लिख लो कमेंट में, ब्रूज का यूज करके योर सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल,
माई फेस हैव ब्रूज्ड, BRUISED, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस देखने जा रहे हैं, बिहेव। ब्रूज ज़्यादा यूज नहीं होता है, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो छोड़ देना। बिहेव, बिहेव तो बहुत कॉमन वर्ड है, ये आपको पता होगा या नहीं होता, होना नहीं है, अगर पता तो होना चाहिए। बिहेव, बिहेव का मतलब क्या होता है आप लिखो, ठीक है। टू एक्ट इन अ करेक्ट वे, करेक्ट वे। टू डू व्हाट इज करेक्ट, टू डू व्हाट इज करेक्ट, टू डू व्हाट इज करेक्ट, बिहेव बोलते हैं। बिहेव योर सेल्फ, राइट, करेक्ट वे में बिहेव करो। तो इसका वी टू क्या है, बिहेव्ड, BEHAVED, यहाँ पे सिर्फ ED लगा है, B3 भी वही है, और ING लगाएंगे तो क्या होगा, BEHAVE, ई को हटा के ING आ जाएगा, बिहेविंग, राइट। ये B2 नहीं है, ये बिहेविंग तो ING है ना। सो कुछ सेंटेंस लिखना है, एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स बिहेव themselves, स्टूडेंट्स बिहेव themselves, स्टूडेंट बिहेव themselves इन द क्लास, राइट। क्लास में वो लोग अच्छे से करेक्ट वे में एक्ट करते हैं, बिहेव themselves इन क्लास, राइट। आपका कुछ सेंटेंस आप लिखो कमेंट में पॉज करके। तो ही बिहेव्ड लाइक एन स्ट्रेंजर yesterday, कल उसने मेरे साथ एक स्ट्रेंजर की तरफ बिहेव किया, ठीक है। चलो, और इसी तरह दूसरा सेंटेंस हम देख लेंगे, क्या है दूसरा सेंटेंस। बाई, पता है ना आपको, बाई मतलब परचेज करना, बाई मतलब परचेज करना, बाई एंड परचेज सेम थिंग। आपको इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है। सो बाई का सिर्फ आप B2 लिखना, बॉट होता है BOUGHT, bought, और purchased, 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 और इसको buy plus BUYING, buying होता है, अगर buying देखना है तो। सेंटेंस एग्जाम्पल तो आपको पता है, आई बाई माई groceries, GROCERIES, आई बाई माई groceries फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मॉल, ठीक है। आई बाई माई ग्रोसरीज फ्रॉम द मॉल, आपका सेंटेंस लिखो कमेंट बॉक्स में, योर सेंटेंस। अगर आप लिखेंगे कोई एक तो भी लिखेंगे तो मुझे देख के खुशी होगी, ठीक है, मेरे लिए भी लिखना। सो आई बाई माई ग्रोसरीज फ्रॉम द मॉल, आपका सेंटेंस। आई बॉट डैश 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 कुछ भी आपने लिखा, लास्ट मंथ I bought a car last month, कुछ भी लिखो इस हिसाब से, ठीक है। हमने कुछ सेंटेंसेस देख लिए आज, राइट। और आगे क्या देखेंगे हम, इसके लिए तो अब वोकैबुलरी का पार्ट था, आज हम एक कोई बेसिकली जो पब्लिक स्पीकिंग में आपको किसी टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। पब्लिक स्पीकिंग में आप जब बोलेंगे तो आपको फिर कुछ टॉपिक्स देंगे, उसके ऊपर बोलना है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, या आज का हमारा मैसेज है, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। अब टॉपिक लिख लेना, टुडे पीपल वेस्ट ELECTRICITY
टुडे पीपल वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी वेज. गिव एग्जाम्पल, ये आपका टॉपिक है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी, आप इसके बारे में जब भी आप बोलोगे, पहले आपके दिमाग आप होम के बारे में बोलेंगे. ठीक है, आप कैसे लिखोगे? फर्स्टली, फर्स्टली पीपल लीव लीव फैंस ऑन व्हाइल दे लीव द होम, व्हाइल दे लीव द होम. ठीक है, पहले आपने फैन के बारे में बोला, अभी आप टीवी के बारे में बोल. सेकेंडली, सेकेंडली स्टूडेंट्स लीव लैपटॉप, बोलना है लैपटॉप ऑन व्हाइल दे आर अवे, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो उनका अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है. सेकेंडली आपने बोल लिया. थर्डली आपको बोलना है ऐसे, थर्डली थर्डली आप लिख लो, लेडीज लेडीज लीव द टीवी ऑन व्हाइल दे आर डूइंग हाउस वर्क, व्हाइल दे आर डूइंग हाउस वर्क. जब वो हाउस वर्क कर रही होती है, वो टीवी ऑन छोड़ देती है. ठीक है, इतने दो तीन रीजन आपने देख लिया. उसके बाद बोलना है एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट मैनी प्रॉब्लम अराइजेस, मैनी प्रॉब्लम अराइजेस. और आपको सेव इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप ऐसे भी लिखने बोले एग्जाम में, स्कूल में, तो आप इस तरह से लिखना है, फर्स्टली एक दो तीन ऐसे सेंटेंस लिखना है, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली एज अ रिजल्ट, फिर उसके बाद क्या होता है. आप लोग ऐसे, आपको पूरा बाई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आपको कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, एज अ रिजल्ट मैनी प्रॉब्लम अराइजेस, तो वन बाई वन लिखना है. फर्स्टली क्या क्या प्रॉब्लम अराइजेस होते हैं, फर्स्टली द इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है, बिल्स इंक्रीज टू अ लार्ज अमाउंट, इंक्रीजेस. ठीक है, फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट इंक्रीजेज एंड पीपल हैव टू एंड पीपल हैव टू बिल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, पे मोर मनी. राइट, कंसिक्वेंटली दे मतलब पीपल कैन नॉट सेव मनी, दे कांट सेव मनी. अब इसी को और एक्सटेंड करना है, हाउएवर. ठीक है, हाउएवर मतलब पूरा अपोजिट व्यू. हाउएवर इफ यू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, कंजर्व मतलब बचाना, राइट, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी हाउएवर इफ वी कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी देयर विल बी मेनी बेनिफिट्स, देयर विल बी मेनी बेनिफिट्स. देयर विल बी
मेनी बेनिफिट्स। अभी मैंने फिर उसको फिर से आपने फर्स्टली सेकेंडली थर्ड भी लिख लेना। फर्स्टली अब बेनिफिट क्या क्या है, फर्स्टली द इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी लेसर पहले के कंपैरिजन में, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी लेसर। सेकेंडली पीपल कैन सेव मनी, पीपल कैन सेव मनी। थर्डली पीपल विज थर्डली क्या थर्डली पीपल विल यूज देयर मनी वाइजली, पैसा बचाते हैं तो वाइजली यूज करेंगे। इन कंक्लूजन ये सब करने के बाद क्या होगा, इन कंक्लूजन कंक्लूजन लास्ट में आप क्या लिखोगे, इन कंक्लूजन वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने ये मस्ट का यूज करके सेंटेंस देखा है, मेरे कोर्स में है, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। इन कंक्लूजन वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से हमने एक मैसेज के बारे में लिखा, एक एसे लिखा। और दूसरा लिखना है आपको वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है। डब्ल्यू ई डी डी आई एन एस वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। वेडिंग्स एंड फेस्टिवल के बारे में कुछ लिखते हैं, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल के बारे में कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं वेडिंग एंड फेस्टिवल्स के बारे में, फर्स्टली What वाट इज बल्ब, कितने वाट का बल्ब, ठीक है। फर्स्टली वाट वाट इज बल्ब डू दे वांट, राइट। इस हिसाब में आपने इस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ये चीज़ को, ठीक है। वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सेव कर सकते हैं, या कितने वाट के बल्ब लोग जलाते हैं, दे बर्न हाई वाटेज बल्ब, दे बर्न हाई वाटेज बल्ब, राइट। सेकेंडली हाउ मेनी लाइट्स डू दे बर्न, सेकेंडली हाउ मेनी लाइट्स, लिखना मेरे साथ में, ठीक है, डू दे बर्न। सेकेंडली हाउ मेनी लाइट्स डू दे बर्न, दे बर्न मेनी लाइट्स, राइट। सेकेंडली दे बर्न, ये तो सिर्फ आपको हिंट है लिखने के लिए, ठीक है। फर्स्टली दे बर्न हाई वाटेज बर्न बल्ब, सेकेंडली they burn, secondly they burn many lights, thirdly how long do they burn them for, thirdly how long do they बर्न फॉर, वो कितने लंबे समय के लिए बर्न करते हैं, आंसर लिखना, वो तो हिंट है। थर्डली दे बर्न, थर्डली
बॉन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? एज अ रिजल्ट इंडस्ट्री फेस मेनी प्रॉब्लम्स. एज अ रिजल्ट इंडस्ट्री फेस मेनी प्रॉब्लम, राइट? अब वो प्रॉब्लम्स आपको लिखना है. प्रॉब्लम्स, फर्स्टली फर्स्टली शॉर्टेज, शॉर्टेजेज एंड लोड सेलिंग. लोड सेलिंग, शॉर्टेजेज एंड लोड सेलिंग ऑकर, लोड सेलिंग होना को ऑकर बोलते हैं, होना, ठीक है? फर्स्टली शॉर्टेजेज ऑकर और लोड सेलिंग ऑकर, शॉर्टेजेज एंड लोड सेलिंग ऑकर. और उसके उसके वजह से क्या होता है? एज अ रिजल्ट इंडस्ट्री कैंट वर्क प्रॉपरली, इंडस्ट्री कैंट वर्क प्रॉपरली, राइट? इंडस्ट्री कैंट वर्क प्रॉपरली. कंसिक्वेंटली अगर प्रॉपरली वर्क नहीं होगा तो क्या करेगा? कंसेक्वेंटली, ठीक है? कंसेक्वेंटली, CONSEQUENTLY, कंसिक्वेंटली इंडस्ट्री कैन प्रोड्यूस इनफ गुड्स, इंडस्ट्री कैनॉट प्रोड्यूस इनफ गुड्स. का सोल्यूशन क्या है? हाउएवर इफ वी कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, इफ वी कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, इफ वी कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करेंगे तो देयर विल बी मेनी बेनिफिट्स. तो देयर विल बी, एग्जाम में अगर आपको लिख रहे हो तो ऐसे मत लिखना हाउएवर इफ यू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बेनिफिट्स. तो आप लोग मेनी बेनिफिट, देर विल बी मेनी बेनिफिट्स बोलना, उसके बाद फिर फर्स्टली सेकेंडली करके लिख लेना मेनी बेनिफिट्स, तो आपका और लेंथ बढ़ेगा बेनिफिट्स, राइट? फर्स्टली तो आप ऐसे सेंटेंस लिख सकते हो, पैराग्राफ पैसेज लिख सकते हो. फर्स्टली द इंडस्ट्री वॉक फ्रीली, द इंडस्ट्री वॉक्स, और इंडस्ट्रीज है तो फिर वर्क, ठीक है? इंडस्ट्री वॉक्स, बेसिकली इसको इंडस्ट्रीज होना चाहिए और यहाँ पे वर्क होना चाहिए. हम सब इंडस्ट्रीज के बारे में बोल रहे हैं ना. फर्स्टली द इंडस्ट्रीज वर्क रियली, तो कोई टेंशन नहीं है, लाइट जाएगी नहीं जाएगी. सेकेंडली क्या है? द इंडस्ट्री कैन वर्क विदाउट इंटरप्शन. सेकेंडली द इंडस्ट्रीज कैन वर्क विदाउट इंटरप्शन, राइट? विदाउट इंटरप्शन. थर्डली द कंट्री विल डेवलप रैपिडली, द कंट्री विल डेवलप रैपिडली. चलो इस हमने यहाँ पे देख लिया. इसको पूरा हम शॉर्टकट में अगर पढ़ें कैसे हो सकता है? टुडे मेनी पीपल वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी वेज, राइट? टुडे मेनी पीपल वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी वेज. फर्स्टली पीपल लीव द फैन ऑन व्हाइल दे लीव होम. सेकेंडली स्टूडेंट्स लीव द लैपटॉप ऑन व्हाइल दे आर अवे. थर्डली द लेडीज लीव द टेलीविजन ऑन व्हाइल दे आर डूइंग हाउसवर्क. एज अ रिजल्ट मेनी प्रॉब्लम अराइजेज. फर्स्टली द इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीजेज.
एज अ रिजल्ट दे हैव टू पे मोर मनी, कॉन्सिक्वेंटली दे कांट सेव मनी। हाउएवर इफ वी कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी देयर विल बी मेनी बेनिफिट्स। फर्स्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल विल नॉट बी हैवी, सेकेंडली पीपल कैन सेव मनी, थर्डली दे विल यूज देयर मनी वाइजली। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रख लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, पहले मैं बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और एक्सरसाइज। मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, आप नोट करना। हम क्या देखने वाले हैं, यूजिंग एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्ब क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना, शेयर तो करना सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। बाय बाय।